हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है धैर्य। धैर्य पर है कि भाई इंसान को अपने पे धैर्य रखना चाहिए। कहने को तो ये शब्द बहुत छोटा है, पेशेंस, कि इंसान धैर्य कैसे रख सके, पर यह जो धैर्य है ये लाइफ में एक बहुत बड़ी लीवर नींव का काम करती है, जिसके ऊपर पिलर होता है, मकान जैसे खड़ा होता है। उसी तरह धैर्य भी एक हमारा पिलर है लाइफ का, जिसके ऊपर लाइफ खड़ी है। अगर हमारे में धैर्य नहीं है तो वो जैसे एक बिल्डिंग है, उसका पिलर कमज़ोर है तो वो कांप के गिर जाएगी एक ना एक दिन। उसी तरह धैर्य भी हमारी लाइफ का एक पिलर है, जो अगर मजबूत है तो हमारी लाइफ एक बहुत आगे तक ज़िंदगी लॉन्ग कट सकती है। अगर हमारे में धैर्य नहीं है किसी भी काम में, चाहे कोई भी काम हो, प्रोफेशनली हो या अपनी निजी ज़िंदगी हो, उसमें भी अगर आपके धैर्य नहीं है तो ज़िंदगी जीनी दुर्भर हो जाएगी। आपने अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी है, जिसमें मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, आपसे कोई गलती होती है या आपके सीनियर बॉस आपको समझाते हैं या किसी बात पर गुस्सा करते हैं, अगर आप इंपेशेंस हो जाते हैं, उनका जवाब गुस्से से देते हैं, सब्र या धैर्य नहीं रखते या अपनी गलती को एहसास नहीं करते, तो या तो आपके दोनों के रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, जॉब जा सकती है और आपके आगे के काम करने में भी मन नहीं लगेगा। उसी तरह आपके जूनियर्स हैं जो अगर गलत काम कर रहे हैं, आपको उनको धैर्य से, प्यार से, सही ढंग से अगर नहीं समझाया, गुस्से से ही सिखाया गया, तो वो एक आपका काम बहुत गुस्से से और परफेक्टली काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको पेशेंसली उनकी गलतियों को देखकर पोलाइटली समझाएंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, आपकी कंपनी को अच्छे रेवेन्यूज़ मिलेंगे। यदि आपकी नेचर वैसे गुस्से वाली और इनपेशेंस वाली होएगी तो आपका इम्प्रेशन सभी एम्प्लॉइज़ के आगे बहुत गलत हो जाएगा। उसी तरह दूसरे पहलू में, अगर आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपकी अपनी हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, बाकी अपने रिलेशंस रिलेटिव्स के साथ उसी तरह के हैं तो गुस्से वाली, तो आपकी ज़िंदगी जीनी दुर्भर हो जाएगी। आप अपने बड़ों से, मान लीजिए माता पिता, सास ससुर से पोलाइटली या पेशेंसली बात नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, तो आपकी आगे की लाइफ में आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। अगर आपको वो कोई बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं या किसी बात पे अगर डांटते हैं, तो अगर आप धैर्यपूर्ण उनसे बात सीख लेंगे तो लाइफ में नेक्स्ट जनरेशन तक आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपको उनका समझाया हुआ या कुछ वो आपको टोक रहे हैं उसमें आपको गुस्सा आ रहा है, तो वैसी बातों में अगर आप उन पे गुस्सा कर देंगे या नहीं सीखने की कोशिश करेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, मन में उनसे सीखने की इच्छा नहीं रखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको नहीं बताएंगे। और वही चीज़ जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वही यही सीख, अगर आप पेशेंसली प्यार से अपने बड़ों से सीखेंगे, वही बच्चे सीखेंगे कि आप अपने बड़ों के साथ कैसे रहते हैं, आप उनकी बातों को कैसे समझते हैं, तो उसी तरह आपके बच्चे भी आपसे, उसी तरह आपसे सीखेंगे और उनको यह नई चीज़ें सीखने के मिलेंगी, आपको बेनिफिट्स होंगे लाइफ में, आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी। आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि ज़िंदगी में अपने बच्चों को कैसे सिखाया जाए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको देखकर सीख जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दुआ है कि आप हर काम अपना पेशेंसली धैर्य से करें, उस वक्त अपना संयम रखें, क्योंकि सब्र से, संयम से आप जल्दी सीख सकेंगे। अगर आप जल्दबाजी में, अगर गुस्से से नहीं ऐसी बातें सीख सकेंगे जो आप अपने धैर्य से और आराम से वो बात सीख सकेंगे। इसलिए मेरी ये दुआ है आपकी लाइफ स्मूथ रहे, कूल रहे। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।